सुरक्षा का इतिहास। इस वीडियो में हम सुरक्षा की ऐतिहासिक समय रेखा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा को नुकसान, चोट या हानि से मुक्त होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे मनुष्य और मशीन की विफलता को रोककर प्राप्त किया जाता है। हम इतिहास से सीखते हैं कि सुरक्षा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। प्राचीन मानव उपयोग करता था कपड़े, आश्रय, दवाएं और हथियार उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का एक लंबा इतिहास है जो बेबीलोन के राजा हम्मुराबी से जुड़ा है। उन्हें सुरक्षा के लिए लिखित कानून का पहला रिकॉर्ड देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 267 कोड पर कहा कि स्थिर में दुर्घटना के मामले में चरवाहे की गलती है जो दुर्घटना के लिए मुआवजा देना चाहिए। हम कुरान के अध्याय 103 में भी सुरक्षा का संदर्भ पा सकते हैं, जहां हमें बताया जाता है कि खुद को नुकसान से बचाने के लिए सही काम करें। 1874 में आयोवा, यूएसए के एक किसान लोरेंजो कॉफिन ने रेल वैगन में शामिल होने पर एक रेलकर्मी को चोटिल होते देखा। इससे रेलकर्मियों की सुरक्षा के लिए आंदोलन हुआ। 1893 में कानून पारित करने में समापन। यूरोप में श्रमिक आंदोलन औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुआ। बेहतर काम करने की स्थिति की मांग। परिणाम स्वरूप सरकारों ने कार्यस्थल सुरक्षा को विनियमित करके प्रतिक्रिया दी। इन आंदोलनों का प्राथमिक फोकस श्रमिकों की सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करना था। इन संगठनों पर लाखों खर्च होने लगे। अमेरिका और यूरोप में यह एहसास व्यवस्थित अनुसंधान का नेतृत्व किया। दुर्घटनाओं के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला, दुर्घटनाओं को अधिकतर रोका जा सकता है। दुर्घटनाओं के मनोवैज्ञानिक कारण हैं। इससे मानव कारकों के विज्ञान का उदय हुआ। 1903 में आधुनिक विमानन ने एक विनम्र शुरुआत की। शुरुआत में हर कोई विमान बना और उड़ा सकता था। 1908 में लेफ्टिनेंट सेल्फ्रिज की पहली घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उड़ान एक खतरनाक व्यवसाय बना रहा। साइकिल की दुकान से जेट युग तक का उड्डयन का सफर आधी सदी से भी कम समय में पूरा हुआ। हालांकि यह एक ऊबड़ खाबड़ सड़क रही है, दुर्घटनाओं से भरी हुई है। उड्डयन में पहले दृष्टिकोण था फ्लाई फिक्स फ्लाई। इस प्रकार मशीन में सुधार पर ध्यान केंद्रित रहा। नतीजतन तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाएं समय के साथ कम होती गईं। हालांकि तकनीकी प्रगति ने इन मशीनों को और अधिक जटिल बना दिया, इसलिए मानवीय भूल के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। समय के साथ बढ़ता ही गया, फलस्वरूप 60-80% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। इसलिए 70 के दशक के अंत में विमानन का ध्यान मानवीय कारकों पर स्थानांतरित हो गया। बाद में 1990 में जेम्स विजन ने मानव त्रुटि के लिए नया दृष्टिकोण पेश किया, संगठनात्मक विफलता पर ध्यान केंद्रित करना। इसलिए सुरक्षा समय रेखा को 3 मुख्य अवधियों में विभाजित किया गया है, तकनीकी कारक, मानव परिबल और संगठनात्मक कारक। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।